अब तक आपने देखा महाभारत के अभिमन्यु की तरह हमारे यहाँ के खिलाड़ी भी हमेशा अपने आप को एक चक्रव्यूह में घिरा हुआ पाते हैं। जो इस चक्रव्यूह को तोड़ पाता है वो विजयी होता है, नहीं तो अनिश्चितता भरे माहौल में वो तिल तिल कर खत्म हो जाता है। इन सब को जानते हुए भी करीब 10 बरस पहले विजय बनर्जी ने अपने बेटे आदित्य के लिए एक सपना सुन लिया था। दो दिन बाद एग्जाम्स में पहले की लाइव शो पर क्वेश्चंस भी आएंगे, चल पढ़ाई करने बैठ। लो भाई, आ आपकी मास्टर ने। देखो, तुम चुप रहो, तुम्हारे अगर सुबह से पढ़ाई कर भी लेता तो कौन सा देश का उद्धार करता। दिन भर फुटबॉल में अपने पैर गड़ाए रहने से इस देश को सोने से मर देता, यही ना? सोने से नहीं भी मर देता तो एटलीस्ट अपने देश को दुनिया के नक्शे पे जड़ देता। तुम्हें पता है आज एक पेले के वजह से सारी दुनिया ब्राजील को जानती है, एक मैराडोना की वजह से अर्जेंटीना स्पोर्ट्स की दुनिया का आग का तारा बना हुआ। पढ़ाई करके क्या कर लेता है, सरकारी नौकरी करता और नेताओं के साथ मिलकर इस देश को आलू प्याज के भाव बेच देता। नेता है ना, दुकान खोलते और ये बेचारा खड़ा रहता तराजू पकड़ के। तो फिर एक काम करो, तुम्हारे इस होनहार बच्चे को स्कूल ना भेजकर फुटबॉल की किसी एकेडमी में भर्ती कर दो। तुम समझते क्यों नहीं, बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारा ये आदित्य किसी फुटबॉल की एकेडमी वगैरह में नहीं जाए, ये तो जाएगा फुटबॉल की मक्का इंग्लैंड। अच्छा वाह, लोग तो अपने बच्चों को राजा रानी और परियों की कहानी सुनाते हैं, तेरे पापा है ना तुझे लंदन की कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी नहीं, सचमुच में बहुत ही जल्द हमारा विमान हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। लेकिन नगर नारायण आएगा कहीं से? ऊपर वाला हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं। ऊपर वाला कहाँ है तुम्हारा ऊपर वाला, लंदन में या दुबई में? और एक बात समझ लो, लंदन तक का सफर ना कुल्लू मनाली तक का सफर नहीं है, लाखों की बात है ना? स्नेह, तुम ये जानती हो कि विजय बनर्जी जैसे मशहूर खिलाड़ी के इस शहर में लाखों मेहरबान हैं। तुम परेशान मत, धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। फिलहाल तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी। अच्छा चलो। विजय अपना सपना सच होता हुआ देखता, इससे पहले ही वो चंद कुर्सी परस्त लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। अफसोस की बात है, आज भी खेल की बागडोर इन्हीं लोगों के हाथों में है जो अपने फायदे के लिए खेल को खरीदते बेचते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी भयंकर तो खेल खेल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी मैन, फ्रेंड स्पोर्टिंग जैसी लड़खड़ाती टीम आखिरी 10 मिनट में क्या 3 गोल ठोक पाएगी है? सबसे पहला तो ये कि पैंथर शू का नाम प्लेयर्स की जर्सी के सामने नहीं बल्कि पीठ पे होगा और वो भी बोल्ड लेटर से। और प्लेयर्स के नंबर वो सामने या पॉकेट पर। दूसरा क्लास कौन सा? दूसरा क्लास ये कि बायचुंग और विजन जैसे स्टार खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना होगा और साथ साथ नाइजीरिया और घाना के नेशनल प्लेयर्स को भी शामिल करना होगा। ऐसे रेफरी को तो थक्के मार के ग्राउंड से बाहर निकाल देना चाहिए। जरा सी टेक्निकल येलो कार्ड निकालता आजकल। हालांकि आज भी फुटबॉल की दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे
जो व्यक्तिगत मान सम्मान की परवाह किए बगैर नई प्रतिभाओं की खोज में जगह जगह की खाक छानते फिरते हैं। जब आदित्य अपने कोच दीपक चौधरी की कड़ी ट्रेनिंग में तप कर सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगता है, तब ब्रांडों की ललचाई नजर उस पर पड़ती है। अंतर के खिलाफ कमाल का खेल दिखाया, मैदान में सेंसेशन की लहर दौड़ गई। आज मैंने यहां आते सुना उसका सिलेक्शन स्टेट टीम में हो गया। क्या आप जानते हैं कि वो अगले हफ्ते संतोष ट्रॉफी खेलने कोचिंग जा रहा है? आखिर विजय बैनर्जी का बेटा है। ऐसे मौके पे मैं अगर छोटी सी सौगात न लाता तो क्या फायदा? के लिए
आदित्य इज टैलेंटेड, बहुत आगे जाएगा वो। आप उसका भविष्य बर्बाद कर देना चाहती हैं, जबकि सफलता उसके दरवाजे में खड़ी है। आप ऐसा मत कहिए बाबू जी, मत कहिए प्लीज। आप यही चाहती हैं ना कि वो दूसरे क्लब में अपना नाम न लिखवाए? आप यही चाहती हैं ना कि वो फुटबॉल खेलना बंद कर दे? उसकी रग रग में फुटबॉल है। अब रेत का बांध बनाकर उसके बहाव को मत रोकिए। अगर आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिए, अपने आप को उन पुरानी और कड़वी यादों में जकड़ के रखने की जरूरत नहीं, कम से कम आदित्य के भविष्य के लिए। अगर आदित्य कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आप लोग उसमें बाधक मत बनिए। उसे एक छोटी सी डिबिया में बंद रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपनी प्रतिभा को निखारने दीजिए। अगर आदित्य संतोष ट्रॉफी में गोल करता है और उसका नाम होता है और वो फुटबॉल प्रोफेशनली खेलता है, तो आप लोगों को मेरी बातें जरूर याद आएंगी। मैं तो आदित्य के भविष्य को सोचकर यहां चला आया था कि उसके पास भी फ्लैट होगा, गाड़ी होगी, और आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक, चला जाता हूं। लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से मैं भी नहीं, इसलिए मेरी बातों पे गौर जरूर फरमाइए। अभी जा रहा हूं, फिर आऊंगा। हर सच्चे खिलाड़ी का एक ही सपना होता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा के वो सिर्फ खेलना चाहता है, अपने आप को खेल में पूर्ण समर्पित कर देना चाहता है। सिद्धांत का भी यही सपना था, लेकिन अफसोस फुटबॉल उसे एक निश्चित भविष्य की गारंटी नहीं दे पाई। आखिर नौकरी की तलाश उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते की ओर ढकेल देती है जहां से लौटना मुश्किल होता है। देखिए, आप जैसे शरीफ औरत ही यहाँ नहीं आते। हाँ, मैं जानती हूँ, यही आता होगा तुम्हारा मर्द और घर नहीं पहुंचा, यही ना? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल वो पार्सल तो पहले बोलना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा, यही ना, शराब पी के घर नहीं पहुंचा। क्या करें, आप उनका अंकल का धंधा कुछ ऐसा है, और मैं भी बड़ी हुई इसी माहौल में, पर ना हम भी नहीं चाहते कि शराब की वजह से किसी माँ का बेटा। अरे आंटी, अरे आंटी, अरे तू यहाँ क्यों आई? हाँ, सिद्धू घर नहीं पहुंचा ना? बेटा, सिद्धू घर नहीं पहुंचा, सिद्धू घर नहीं पहुंचा। हाँ रूबी, ये अपने लिटिल मास्टर की माँ है। ए, ए रूबी, क्या लौट रहा है? अरे यार, अंकल, अंकल अपना सिद्धू है ना, सिद्धू उसकी माँ है। क्या देखता है? चट कभी हट, चल लेगा, हट, हट, खाली है। सिस्टर, सिस्टर, आप प्लीज बैठ, प्लीज बैठ, सॉरी, प्लीज सिस्टर। सिद्धू को ढूंढते ढूंढते मैं
सिद्धू हमारा लिटिल मास्टर, हर आपके ऊपर परेशान होती हैं। वैसे सिद्धू की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो सिस्टर ये हिटलर उसकी आंखें निकाल लेगा। सिद्धू यहाँ कब आया था? सिस्टर क्या है कि वो सिद्धू ऐसी जगह पर है जहाँ पुलिस का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आप इतनी परेशान हैं। दो हफ्तों से घर नहीं पहुंचा है, तो मुझे इसको ढूंढते ढूंढते बीमार पड़ गया है। उन्होंने मुझे कहा था कि वो यहाँ कभी कभी यहाँ आता है, इसीलिए। सिस्टर देखो ऐसा है कि पुलिस ने सारा केस खत्म कर दिया है और एकदम खारिज हो गया है केस, मामला रफा दफा हो गया है, फिर उसमें परेशान होने की क्या बात है? देखिए वो है कहाँ? देखिए मैंने आपको सिस्टर बोला है इसलिए आपको हमारी बात पे विश्वास करना होगा। सिद्धू जहाँ भी है बहुत अच्छी तरह से बहुत सेफ है और वो बीडी साहब के यहाँ है। ये बीडी कौन है? आई एम सॉरी आप कैसे जानेंगे बीडी साहब को? बीडी साहब एक तरह से हम लोगों के गॉडफादर हैं, विपुल दत्त, और उनका एक ग्रुप है युगांतर, और सिद्धू ने युगांतर ज्वाइन किया है। क्या नाम बताया आपने? विपुल दत्त। विपुल दत्त, सिद्धू ने युगांतर में अपने पिता के हत्यारे के क्लब में। देश में खेल की इस शर्मनाक परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है जहां आदित्य जैसे जीनियस प्लेयर को भी खेल के पीछे की राजनीति दिग्भ्रष्ट कर देती है। तभी तो वो भी मैदान में खेलने के बजाय फाइल बगल में दबाए कमीशन एजेंट बनकर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काटना बेहतर समझता है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, सारे हिंदुस्तान को हिला देने वाला टॉप मोस्ट फुटबॉल प्लेयर आदित्य बनर्जी आज हमारे ऑफिस में। मेरी खुशकिस्मती है ये। आइए आइए बैठिए, कहिए क्या लेंगे, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? जी कुछ भी नहीं, मैं एक काम के लिए आपकी मदद लेने आया हूँ। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी मैं एक फेमस इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी की तरफ से आया हूँ। टेंडर का मामला है? एग्जैक्टली। ये बताइए ये कंपनी आपकी है या किसी और की? मेरा मतलब है कि ये साइलेंट पार्टनरशिप। जी नहीं वो भी नहीं। डोंट बी एम्बैरेस्ड, मैं आपका फैन हूँ। युगांतर के खिलाफ जो आपने गोल्डन हैट्रिक बनाई थी वो मैंने ग्राउंड में बैठकर देखी थी, और कोचीन में जो आपने किया वो तो हिंदुस्तान में पूरे इतिहास फुटबॉल में कभी भी नहीं हुआ। जो कुछ आपके लिए हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। अब आप ये बताइए कि किस टेंडर के लिए आप यहाँ आए थे? जी मैं एक डिजाइन लाया हूँ। आपका JLN रोड में एक नया ऑफिस खुल रहा है, उसका ये ब्लूप्रिंट है। हाँ 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 समझ गया। दरअसल वो ऑफिस हमारे नई मैनेजिंग डायरेक्टर का है और वो इंटीरियर डेकोरेशन के मामले को खुद हैंडल करना चाहती हैं। आप उनसे खुद क्यों नहीं मिल लेते? मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूँ। मैम आपके नए ऑफिस के इंटीरियर डेकोरेशन के सिलसिले में एक ऑनरेबल पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। जी नो यस मैडम आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद हिम। जी मिस्टर आदित्य आप उनके चैम्बर में जाकर एक बार उनसे मिल लीजिए, बस बाकी का काम मेरा है, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। थैंक यू। आइए मिस रोजी, मिस्टर आदित्य को मैडम का चैम्बर दिखा दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इन सब के बावजूद मैदान में फुटबॉल आज भी उतनी ही शिद्दत से खेला जाता है।
दर्शकों की भीड़ आज भी पूरे उत्साह से स्टेडियम में अपने फेवरेट प्लेयर को लेकर शोर मचाती है। लेकिन कोई नहीं सोचता कि 90 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश को ओलंपिक में सिर्फ तांबे का एक मेडल भर क्यों मिल पाता है? क्यों? कौन है जिम्मेदार इस दुर्दशा के लिए? विजय, आदित्य, सिद्धांत जैसे खिलाड़ी या फिर विपुल दत्त और ब्रांडो जैसे घाग स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स या फिर आप या हम सब?